क्लैश ऑफ क्लैंस के इंटरेस्टिंग एपिसोड में अगेन आ चुका है स्नीक पीक नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, आज वाले एपिसोड में हम पूरा कवर करने वाले हैं स्नीक पीक। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, न्यू ट्रूप इंट्रोड्यूस होने वाला है गाइस। न्यू ट्रूप का गेम प्ले दिखाने वाला हूं मैं, स्टेट्स दिखाने वाला हूं, किस तरह का उसका लुक होने वाला है। एंड भाई लिटरली बहुत ज्यादा अमेजिंग ये ट्रूप है। अब मैं सबसे पहले आपको फोटो दिखा देता हूँ गाइस। ये आप देख सकते हो ट्रूप का यहाँ पर नाम है इलेक्ट्रो टाइटन। सो भाई लुकिंग वाइज इज डोप यार, इलेक्ट्रो ड्रैगन का बहन लग रहा है काइंड ऑफ। पूरा इलेक्ट्रो पावर एनर्जी के साथ में ये ट्रूप आ चुका है अपने गेम के अंदर। टाउन हॉल 15 अपडेट के साथ गेम के अंदर में आ जाएगा। और भाई लुक एंड फील भाई कब तक ही जोरदार लग रही है, पावरफुल डोले शोले एंड बिल्कुल सुपर आर्चर वाला आधा लुक, बिल्कुल आंखें चमक रही है। तो लुक वाइज ग्रेट है, दिखने में भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो ये अपने गेम के अंदर में इंट्रोड्यूस करवा रहा है सुपर सेल ट्रूप नेम में इलेक्ट्रो टाइटन। ठीक है, सो ये ट्रूप क्या करेगा, सब एक्साइटेड होना, आई नो मैं भी एक्साइटेड हूं। चलो मैं आप सभी को इसके गेम प्ले के ऊपर लेकर के चलता हूं एंड मैं आपको इसका सबसे पहले तो गेम प्ले दिखा देता हूं किस तरह का इसका लुक होने वाला है। यहां पर आप देख सकते हो अनलॉक करने के लिए लेवल 16 पे अनलॉक होगा, अपग्रेड पे डाल दिया, डन जैम कर देते हैं। लेवल 16 का बैरक गाइस यू कैन सी ओवर हियर, लेवल 16 का बैरक हो चुका है। ट्रेनिंग में चले गए तो ब्रांड न्यू ट्रूप देख सकते हो आप। 32 का इसका हाउसिंग स्पेस होने वाला है। यहाँ पर ये स्टेट थोड़ा मैं ध्यान से पढ़कर बता देता हूँ आपको। आप देख सकते हो डैमेज पर सेकंड 220 होने वाला है, ओरा डैमेज पर सेकंड। अब ये ओरा डैमेज क्या, मैं बताता हूँ। जब ये ट्रूप किसी भी डैमेज करेगा, किसी भी एक डिफेंस को हिट करेगा, तो इसके ओरा मतलब इसके आसपास जो डिफेंस हो गया ना उनपे ऑटोमेटिकली डैमेज जाएगा। जैसे इलेक्ट्रो ड्रैगन का चेन डैमेज होता वो ज्यादा फेल जाता है ना, उसी तरह ये मारेगा एक डिफेंस को, इसके पीछे वाले पे भी हिट होगा। तो ये ओरा से रिलेटेड वो है। नीचे हिट पॉइंट की बात करें तो 8200 का हिट पॉइंट होने वाला है। ट्रेनिंग टाइम लगने वाला है 6 मिनट का। फेवरेट टारगेट एनीए डैमेज टाइप सिंगल टारगेट है। टारगेट ये ग्राउंड को भी करेगा, एयर को भी करेगा। हाउसिंग स्पीड 32 का है। मूवमेंट स्पीड यहाँ पर 16 रहने वाली है अपने इलेक्ट्रो टाइटन, मैक्स आउट इलेक्ट्रो टाइटन, लेवल 3 का मैक्स हो जाएगा। एंड ये आप अपग्रेड कर पाओगे लेफ्ट के अंदर में 1, 2 एंड 3। So, ये अपना ब्रांड न्यू ट्रूप है। एंड भाई तो ये भी अमेजिंग हो जाएगा, मतलब काइंड ऑफ। एंड चलो अभी इसको ट्रेन वगैरह कर लेते हैं, लेट्स गो ट्रेन ट्रूप कर लेते हैं एंड चल करके ट्रेन करते गाइस। देख सकते हो कितने इलेक्ट्रो टाइटन 6 कर लेते हैं, डन। तो ये इनका लुक होने वाला है गाइस। देख सकते हो जो फ्लैश लेकर के चल रहे, बोले तो करंट जो कि आपने अभी इमेजेस में देखा था। एंड पूरा मतलब नीचे ऐसा लग रहा है कि एक फ्लैश लाइट लगा के घूम रहे हैं, मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। फ्लैश लाइट लगी हुई है क्या नीचे? ओके इंटरेस्टिंग। सो ये अपना ट्रूप है, ब्लैंड न्यू ट्रूप इलेक्ट्रो टाइटन। चलो अब इसके अटैक को लेकर चलते हैं, अटैक पे चलते हैं इसके साथ। एंड अटैक में यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह ये डैमेज करने वाला है। तो यू कैन सी जैसे अपने इलेक्ट्रो डॉल, आप देख सकते हो चारों तरफ उसका ओरा है, एक सर्कल सा बना हुआ है। अगर ये खड़ा रहेगा ना उसमें ये पूरे सर्कल को डैमेज करेगा। देख सकते हो जितने भी डैमेज है चारों तरफ डैमेज हो रहा है, सबके एचपी लो हो गए। एंड ये देख सकते हो गोला एक सर्कल है, ये इसका ओरा है। उस ओरा में जो भी हो गया देख सकते हो, बीच वाला एडन टेस्ट ये टेस्ला ऑटोमेटिक डाउन हो गया, बगल वाला डाउन हो गया, हिट एक को कर रहा है डाउन सब हो रहे। सो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग। एंड ये गेम प्ले में आप देख सकते हो पूरा थंडर लेकर के जा रहा है एंड एक एक को डाउन कर रहा है। एंड ये देख सकते हो स्केलेटन आया, स्केलेटन इसके पास में भी नहीं आ पाए। इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग। अगर स्केलेटन ट्रैप हो एक भी अपन ने डाल दिया ना, सारे स्केलेटन गायब कर देगा ये। इसके ओरा में भी नहीं आ पाएगा स्केलेटन। तो ये एक एक करके डिप्लॉय कर रहा है, आप देख ही सकते हो सब कुछ ना। ये एक और स्केलेटन ट्रैप आया, ये ओरा के बगल में नहीं आ पाया क्योंकि थंडर है, करंट है, बिजली है चारों तरफ। तो ये अपना ब्रांड न्यू ट्रूप है इलेक्ट्रो टाइटन। मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग होने वाला है, गेम में काफी सीनेरियो बदल देगा। एंड हाँ मानता हूँ हाउसिंग स्पेस मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, बट अब जो भी है यही है अपना ब्रांड न्यू ट्रूप। ये इसका गेम प्ले था, आपने सभी ने मिलकर के स्टेट्स भी देख लिए। सो आई होप यू लाइक दैट। आई डोंट नो क्या बोलूं मैं इसके बारे में, बट ठीक है 32 हाउसिंग स्पेस यार, ईडी से ज्यादा हाउसिंग स्पेस कर देना कैसा होगा, ओरा रेज में कैसी होगी, वो सब अपन को गेम में जब ये आ जाएगा तब अपन इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे आप सभी के सामने, तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलो अभी ये सब छोड़ते ही, ये तो अपना स्नेक पीक में, आज के स्नेक पीक में केवल एक ट्रूप को एक्सप्लेन किया गया है। फिर ट्रूप हमने आपको बता दिया, स्टेट्स बता दिए, कैसा क्या कुछ होने वाला सब बता दिया। चलिए अब यहाँ पर गाइस आर्मी ट्रेन है,
सो चलो एक लेजेंड हिट कर करके आया जाए, व्हाई नॉट, लेट्स गो इनटू द अटैक। देखते इस बार अटैक में क्या अपन कर पाएंगे। सो भाई यार ये बॉक्स बेसिस मेरे दुश्मन है भाई, ये लिटरली बॉक्स बेसिस पे अटैक करना इस आर्मी से बहुत ज्यादा हार्ड है। बट अब आ जाती है यही आर्मी बार बार तो कुछ कर भी नहीं सकते। अब लावा हाउंड को मेरे को ऐसे डिप्लॉय करना है कि वो टैंक कर ले मेरे सारी चीजें। सो मैं उसको बिल्कुल टाउन हॉल के यहां से डिप्लॉय करूंगा ताकि वो एटलीस्ट आगे की तरफ आए और यहाँ के जितने भी माइंस वगैरह है वो निकाल दे। एंड यहाँ से अपन बैटल ब्लिम का यूज करेंगे, एक फ्रीज करना पड़ेगा अदरवाइज यहाँ दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। एंड मेरी ब्लिम पहुंच जाएगी क्या? आई डोंट नो, बॉम्ब टावर के क्लोज है, यहाँ हिट पड़ गए। चलो यहाँ इनविजिबल रेज और क्लोन कर दी जाएगी एंड अगेन इनविजिबल। अब भी डबल जाइंट बॉम्ब आ गया, खत्म नहीं, बच गए सुपर विजर्ड। चलो थोड़े बहुत सुपर विजर्ड बचे तो वो मेरे लिए तो बेटर चीज है, बट अब कितना बेटर रहने वाला है आई विन डोंट नो। क्या वो टाउन हॉल को टेक डाउन कर देंगे? आई डोंट नो। टाउन हॉल की तरफ भेजा तो गया है सुपर विजर्ड्स को एंड डैमेज वगैरह भी दे रहे हैं, बट अब तो ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, मैं टाउन हॉल पे से अपना पूरा का पूरा ड्रैग इसमें मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा ना चाहकर भी। यही यार रिंग बेसिस में प्रॉब्लम क्रिएट यही हो जाती है भाई, कुछ कर नहीं पाते। मतलब रिंग क्या, बॉक्स बेसिस में ये आर्मी बॉक्स बेसिस पे वर्क नहीं करती। चलो काइंड ऑफ ठीक है, जाएगा ये 80s के आसपास अटैक एंड ये लावा हाउंड अब स्प्रेड होने वाला है, और जब लावा हाउंड स्प्रेड होता है तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो ठीक है, यहाँ अपन एक फ्रीज कर लेते हैं ताकि ये वाला कंपार्टमेंट इजिली टेक डाउन कर पाए एंड यहाँ पर रॉयल चैंपियन ताकि ये थोड़े बहुत लावा पप को टेक डाउन करे एंड किंग के ऊपर डैमेज कम हो। एंड हो गया, ऑलमोस्ट सही हो गया, काफी किंग का एबिलिटी यूज कर लेते हैं। अभी रॉयल चैंपियन नीचे वाली साइड आ जाएगी, हेड हंटर बचा हुआ है, सो व्हाई नॉट वी कैन यूज एन हेड हंटर। ओके, अरे हेड हंटर को पहले टारगेट कर लिया एडन टेस्ला ने, तो वो भी जिंदगी में दुख है बहुत। अब किंग मार देगा मार देगा मार देगा मार देगा, मार ही दिया भाई, मार देगा क्या किंग। मैंने 80s बोला था और 80 के आसपास तो ये अभी भी हो जाएगा, बट मल्टी देखो ना कितना परेशान कर रहा है। 70 डन एंड 70 हो गया। अब ये 75 76 माइट क्लोज, लेट्स यूज द एबिलिटी, अब तो कोई चांस बचा नहीं है। एक तरफ वार्डन एक तरफ क्वीन, क्वीन अभी किंग को मार रही है, पता नहीं क्यों ना मार तो भी चलेगा यार। अरे ना कर यार, 76 77 78 एंड मे बी इज द एंड। तो 78% अटैक गया, ठीक है काइंड ऑफ, ज्यादा अच्छा तो नहीं हुआ बट ठीक है। वैसे अब आप सब बताओ, आपने इतने सारे स्नीक पीक्स देखे, आपको कैसा लगा अपडेट एंड क्या कुछ और इंटरेस्टिंग आ सकता है गेम में? एंड एक बेरेक वाला अपडेट हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अब बेरेक एक ही हो जाएगा, डार्क बेरेक एक और एलिक्सर बेरेक एक, तो उसमें भी स्पेस कम हो जाएगा। मोनोलिथ आ रहा है, स्पेल टावर आ रहे हैं, इलेक्ट्रो टाइटन आ रहा है, लॉट्स ऑफ न्यू ट्रूप आ रहे हैं अपने गेम के अंदर। सो आई होप यू आर एक्साइटेड ऑल्सो, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बस वेट कर रहे कब गेम में आएगा। एंड आप सभी गेसेस कर दो अपने कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है कब गेम के अंदर में अपडेट आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वाली वीडियो में इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, इट्स फ्री, वी आर क्लोज टू 35,000 सब्सक्राइबर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक, एम 200 है, लाइक कर देना फ्री, एक लाइक करोगे अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। अगले वीडियो में क्लैश ऑन, एम नाइस डे, क्लैश ऑन, लव यू ऑल।